नमस्कार दोस्तों, सर्प मित्र भारत डोंगरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सांप के बारे में जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि हम कल रात को हमने प्रवीण तरारी इनके घर पे बिच्छू पकड़ा है। इंग्लिश में बोले उसको बोला जाता है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। काफ़ी घातक होता है ये, पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे जहरीला अपने भारत और नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। काफ़ी घातक होता है ये बिच्छू दोस्तों। अगर इसने काटा इसके एंटीडोट भी नहीं होता है, और एंटीडोट मिल भी जाए 4% सिर्फ गारंटी रहती है कि बचे। ये घातक बिच्छू काटने के बाद आदमी मर ही जाता है। ऐसे तो बिच्छू पूरे शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन उस पर अगर कोई लात या पैर दे दे तभी बिच्छू काटता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन स्कॉर्पियन अभी आपको दिखाने वाले। वैसे पूरी दुनिया में 2000 जाति पाई जाती है इस बिच्छू की। इनमें से एक इंडियन स्कॉर्पियन। इसका वैनम न्यूरोटॉक्सिक होता है दोस्तों। अगर आप इससे दूरी रही तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही घातक है। दोस्तों ये ज़्यादातर शर्मिले होते हैं, शर्मिले स्वभाव के होते हैं। ये निशाचर होते हैं, रात को ही बाहर निकलते हैं अपने खुराक पाने के लिए, मतलब खाने के लिए। चलो दोस्तों, इसको अभी रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि बहुत घातक है। इसका एंटीडोट भी नहीं मिलता, इसको हाथ हाथ से भी नहीं पकड़ेंगे। सांप से ज्यादा डर लग रहा है मुझे इसका वाला। अरे बेटा, अरे चलो दोस्तों उसको, चलो दोस्तों, चलो दोस्तों दोस्तों अब इसको रिलीज कर देते हैं फॉरेस्ट में। जा बेटा, जी ले जिंदगी अपनी। हाँ, और मेरे दोस्त, अभी आपके घर में अगर ऐसा बिच्छू निकले उसे मारे ना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंसान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर, अगर कैंसर होता है तो इसी इसके बीच से ही उसका इलाज किया जाता है। तो आपके घर में अगर ऐसे बिच्छू दिखाई दे उसे ना मारे दोस्तों, हाथ जोड़ की विनती है। और मैं आपको एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त है। उसको मैंने कॉल करने के बाद बताया कि ये इंडियन स्कॉर्पियन मुझे मिला है, तो मुझे मिलने आए हैं अमरावती से हरदास बागड़े।